चार शोज किए हुए हैं एंड ये करंट जो शो चल रहा है दैट्स दोस्त नैना मिलाई के ऑन दंगल टाइम ऑन दंगल टीवी। अभिनेश सर के साथ मैं बहुत सारे ऑलरेडी म्यूजिक वीडियोस कर चुकी हूँ एंड आई एम श्योर आगे भी बहुत सारे वीडियोस होंगे। किस चीज़ का प्लान? हॉलीडे? हाँ अभी तो शूट में टाइम नहीं मिलता है, यू नो हाउ इट इज़ डेली, सो एवरी डे वी शूट, तो टाइम तो अभी बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत जैसे कहते हैं ना 2-3 दिन की छुट्टी मिलेगी आई विल डेफिनेटली गो फॉर सम हॉलीडे। मैं सोच रही हूँ एक सोलो ट्रिप पे जाऊँ, क्योंकि क्या मैं अपने कजन्स के साथ फ्रेंड्स के साथ तो हम लोग घूमते रहते हैं, तो अभी सोचिए सोलो ट्रिप भी इम्पोर्टेंट होता है, तो इस बार मैं सोलो ट्रिप पे जाऊंगी। कहाँ पे? कहीं पहाड़ों पे। अच्छा ऐसा? अरे अब मैं नोबिता हूँ तो मेरे साथ तो फिर शिज़ुका ही जाएगी ना, तो अभी मैं शिज़ुका बन जाती हूँ तो मेरे साथ तो नोबिता ही जाएगा ना, फिर तो जो नोबिता होगा फिर मेरे साथ चला जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, देखिए कैसे प्रपोज किया क्या किया, मैं उनको जानती हूँ नहीं जानती हूँ, बहुत सारे सवाल होते हैं जो मैं आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे नहीं नहीं आप लोग को भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ओके थैंक्स। अच्छा हाँ ये तो मेन मैं भूली गई, हाँ तो मैं हैप्पी वैलेंटाइंस डे, मैं नोबिता हूँ, शिज़ुका को नोबिता हैप्पी वैलेंटाइंस डे कैसे बोलेगा और प्रपोज कैसे करेगा यही करते हैं। तो आप सेंटर से ऐसे कैमरा सेंटर में होना चाहिए ना आपके साथ, वो साइड बोलिए यहाँ देख के बोलिए। अच्छा चलो ठीक है, ये मेन कैमरा है यही का चलेगा, आप कौन सी कार से जाओगे कहाँ जाओगे सब कंप्लीट होगा, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है नोबिता, नाम तो सुना ही होगा, मुझे शिज़ुका बहुत पसंद है और आप सबको पता है ना वैलेंटाइंस डे पास आने वाला है। अरे वाह वैलेंटाइंस डे आने वाला है तो मेरे को शिज़ुका को प्रपोज करना होगा, अगर मुझे शिज़ुका ना कह देगी फिर तो मैं रोऊंगा ना। डोरेमोन थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या पूछा आपने? उधर से कोई कह रहा है आप बहुत अच्छे हैं, मैं तो अच्छा हूँ ही, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो मेरी जान है मतलब गाना सुन के मज़ा आ गया, आपने भी देखा जो भी है सब बढ़िया है, मैं तो मतलब यही कहूँगा मेरी जान जो जितने भी इनके मैं हर टाइम आता हूँ आप सबसे मिलता भी हूँ, मतलब मज़ा आता है आप लोगों से मिलके और गाने सुन के भी मज़ा आता है, मैं तो यही कहूँगा नहीं होना चाहिए ड्राई डे इज द आपको वेलडे फ्राई इज द आपको मुबारक बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत ज़्यादा ऐसा करके बस हो गया जी ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। पूरी टीम को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, ये पहली बार मैं इनके साथ एसोसिएट हुआ हूँ, बहुत ही प्यारा गाना बनाया है, बहुत ही अच्छे से सोनिया जी ने भी गाया है और मैंने भी कोशिश की अच्छा निभाने की एंड मेरे लिए थोड़ा सा अलग जॉनर था, पहली बार थोड़ा सा रोमांटिक स्पेस में मैंने गाना गाया है तो बड़ा मज़ा आया रिकॉर्ड करके भी, बहुत प्यारी कंपोजिशन है, बहुत प्यारे लिरिक्स हैं और अभी वीडियो भी देखा हमने, बहुत अच्छा वीडियो बना उसका, तो पूरी टीम को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है और आगे और भी ऐसे गाने आए और लोगों के सामने अच्छे गाने पहुँचे। अभी डिफरेंस तो थोड़ा टाइम बाद पता चलेगा, अभी तो जितने गाने आएंगे कैसे पब्लिक रिस्पॉन्स कर रही है, कंटेंट जो ये लोग बना रहे हैं आई थिंक थोड़ा हटके ही सोच रहे होंगे और ये जो गाना है पर्टिकुलरली मेरी जाना ये बहुत ही अच्छा गाना है, इसकी मेलेडी बहुत अच्छी है तो ये लोगों तक पहुंचेगा मुझे ऐसा लगता है, तो होप फॉर द बेस्ट और आगे पता चलेगा कौन
मैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बड़ा सीक्रेटिव रहता हूँ, बाकी जब रिलीज़ होता है तब उसके बारे में बातचीत होती है। बट या बहुत सारी OTT पर भी हैं, बॉलीवुड में भी हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आए आप सबके सामने। सोनिया जी, आपके साथ किस तरह आप लोगों को सर? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम ब्लेस्ड उनके पास खड़ी हूँ, क्योंकि ये तो बहुत सीनियर है, तो बहुत अच्छा लगा। इनकी वॉइस इतनी अच्छी, और जो जो मैंने सॉन्ग्स इनके सुने थे ये बिल्कुल हटके था, बट इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस सॉन्ग को गाया है। तो आपने कभी डांट सुना? अरे नहीं ऐसा मैंने ऐसा मौका ही नहीं दिया इनको भी डांट खाने का मौका, ऐसा सिंगर्स आपस में नहीं करते हैं। बट इन्होंने अपना पार्ट गाया अच्छे से, हमने अपना पार्ट गाया। मैं अपनी गलतियां जो हुई हैं मेरे से वो पूछूंगी, बिकॉज़ ही विल गाइड मी। कॉन्फिडेंटली आप लोग मदद करने के लिए आपका कुछ बोलना चाहते हैं सर? एक्चुअली क्या है कि हमारा बस दिनेश जी के साथ मिलकर एक ही प्रोग्राम चल रहा है कि अच्छे अच्छे गाने निकाले जाए, और जब उन्होंने बताया कि दीपा जी एक बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा है दोनों मिल करके, तो गाना पहले पसंद आ गया। हमने कहा इसको प्रोड्यूस करते हैं और बढ़िया लॉन्च करते हैं। बस आज बड़े खुशी का दिन है कि हम इसको लॉन्च कर पा रहे हैं, और निर्धारित समय पे कि 2 दिन बाद वैलेंटाइन है और वैलेंटाइन फेम पे गाना है, तो वैलेंटाइन 2 दिन पहले हमारा मकसद था और उस मकसद को हम पूरा कर पा रहे हैं। मैं यही बोलना चाहता था, अरे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि गाना काफ़ी अच्छा है और आगे भी और अच्छे अच्छे गाने आएंगे, और ये जो रिदम है लगातार चलता रहेगा। हाँ एक्चुअली अभी राम जी के प्राण जो क्या था जो फेस्टिवल था उस पर राम जी पे एक हमने भजन बनाया था, तो वो अच्छा ट्रेंड करा था। अभी हम उस वे से भी सोच रहे हैं एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर कि थीम बेस्ड बनाया जाए, फेस्टिवल बेस्ड कोई सॉन्ग्स निकाले जाए, उसके बारे में सोच रहे हैं। आप भी मेरे साथ रहिए। ये वाला सॉन्ग मेरी जान, हम जस्ट इन्होंने स्केल मेरी जाना, मैं तुम्हें से प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, मेरी जाना मैं तुम्हें से प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। और एकदम जोरदार, आपको कोरस ही चाहिए था ना इसके? प्लान कुछ नहीं सर, काम कर रहे हैं, हमारा काम से बड़ा वैलेंटाइन क्या हो सकता है। बट यस, थोड़ा टाइम अपनी बीवी के साथ स्पेंड करने का मौका मिलेगा तो करेंगे, बाकी काम ही हमारा वैलेंटाइन है, काम करेंगे और लोगों को खुशियाँ और प्यार बांटने का काम करेंगे। थैंक यू सर। आपका गाना मैं चाहूँगा पाजी, बड़े पाजी स्टार्ट करेंगे गाइस। सो वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये एक बड़ा प्यारा सा गाना है जो हमने वैलेंटाइन डे पे हम लेकर आए हैं। आमिर अरब एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, दो इसको पसंद नहीं है कोई इसे सोशल मीडिया स्टार बोले, बिकॉज ये कहता है आई एम एक्टर और मैं जो करता हूँ लोगों को पसंद आता है, और मैं कोई किसको इन्फ्लुएंस नहीं करता। बाजी मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं रियलिटी में ऐसा हूँ, वो बड़ा ही प्यारा लड़का है, इतना डाउन टू अर्थ है। हाँ उठता लेट है और हमें लगता है फ़ोन उठा रहा, लेकिन बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा काम करता है, और इसकी सोशल मीडिया पर जो प्रेजेंस है इसे इतना प्यार मिल रहा है, मीन्स कुछ तो इसमें होगा सीरियसली। उर्मिता मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है और हमारा पहला प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो रहा है हमारे लेवल पे एटलीस्ट, एंड पहले हमने गाना किया हुआ एक। सूर्य जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, मुलाड ग्रुप के मालिक, मुलाड पिक्चर इनका लेवल है जिस पे ये गाना आएगा, 2 लेवल्स पे गाना आ रहा है। यस, सनिंदर जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, इन दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस किया गाना, सारा पैसा इनका लगा और आगे भी और पैसा लगाएंगे, बड़े मजबूत तरीके से इस इंडस्ट्री में आए हैं। यस, अब गाना कैसा बना इनसे पूछो। यस जी बिल्कुल पूछिए।
गाना कैसा लगा? एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, बहुत ही खूबसूरत था और मेरे जो डायरेक्टर थे वो भी बहुत ही खूबसूरत है। मतलब मैंने पाजी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने पाजी की प्रोफाइल आप भी देखे, वो उनकी मतलब कुछ साल पहले ही बहुत ही यंग थे, देन वही मसला, यू नो दैट गाइस। तो इस वजह से मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं पाजी के साथ काम कर रहा हूँ। और उर्मी, पाजी ने मुझे बताया कि उर्मी ने भी बहुत सारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर मतलब साथ में कर चुके हैं, तो मेरे लिए बहुत कंफर्ट था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं उर्मी जैसे खूबसूरत लड़की के साथ आपको काम करके कैसा लग रहा है आमिर? बहुत अच्छा। सेट पे तंग कैसा किया है, वो सेट के बारे में बताओ एक्सपीरियंस। पहले तो मैं बहुत मतलब देखा यार ये इतनी खूबसूरत लड़की मतलब कहाँ मिलती है, बहुत किस्मत से वैसा होता है कि हाँ इतनी खूबसूरत लड़की मिल जाए। और फिर उसको देखते रहा कुछ देर तक, देन मैं चिल के आके हाँ ठीक है आमिर तेरे को काम करना है, काम करना है, रिलैक्स हो जा, देन स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद जैसे हम पहला शॉट जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद मुझे फील हुआ कि नहीं यार ये भी मेरी तरह ही है, मतलब नॉर्मल पर्सन है, तो इनका ज़्यादा हाथ था मुझे कम्फर्ट जोन देने में और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी अच्छा रहा। आपने फर्स्ट टाइम इनका बारे में सिमिलर क्या रिएक्शन है? ये वैसे तो अच्छे हैं, इनके साथ काम करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तो मुझे ये समझ बिल्कुल नहीं आए थे, बिकॉज ये हम लोग जो मेरा पहला जो रिहर्सल था वो 2 आवर्स लेट आए थे। काफी अच्छा लगा उनके साथ काम करके, काफी अच्छे बॉन्डिंग आप लोगों का, बॉन्डिंग हमारे बहुत अच्छे है। शूट तो विरार में हो रहे हैं। हाँ शूट विरार में, मजा कितना किया इन्होंने, रील्स बनाई वहाँ पे, अच्छी अच्छी रील्स बनाई इन्होंने वहाँ पे। और आमिर ने इसको बताया कि रील्स कैसे बनती हैं, इन्होंने ट्रांजिशंस किए, कुछ ना कुछ किया इन्होंने, हाँ रीलें बनाई इन्होंने, बहुत सारी काफ़ी सारी ट्रिक्स भी दिए उनको, और वो शायद वो यूज़ करके अभी बहुत सारी रील्स भी क्रिएट कर और पैसा भी कमाएगी और फिर आपस में परसेंटेज शेयर कर लेंगे। इसका ये कोई रील डालता है मिलियंस में जाती है, वो तो मतलब कुछ भी डालता है, लोग इतना प्यार देते हैं, कुछ भी नहीं डालते भाई, बहुत मेहनत लगता है मतलब वीडियो बनाने में। रात को भी सोती नहीं, दिन रात जागती है और दिन रात प्यार उस पर नशावर करती है, वैलेंटाइन डे तो इसका बनना चाहिए। बट मैं सिंगल हूँ बाजी, आई डोंट नो, वैलेंटाइन आ रहा है, आमिर कौन जानता है, गर्लफ्रेंड है कि तो प्रपोज करने वाले कितने गर्लफ्रेंड टोटल वैसे तो कोई भी नहीं है, सिंगल हूँ मैं, बट काउंट नहीं, मुझे ये सारी चीज़ों में मतलब फिलहाल वक्त नहीं देना है, मेरा एम बहुत स्ट्रेट है और मुझे दिख रहा है तो मेरा वही काम। तो मैसेज आया था सोशल मीडिया पे, आपको प्रपोज जरूर कर सकते हैं, स्टार और मिलियन में जाता है, तो आपको मैसेज जब आता है प्रपोज का किस तरह आप जवाब देते, क्या जवाब देते आप? मैं उनमें इंटरेस्ट मतलब नहीं लेता, वो मेरे को चाहते हैं, मैं चाहता हूँ वो वैसे ही चाहते रहे, अगर मैं उन्हें चाहूँगा तो वो एक अलग मसला हो जाएगा, मतलब मैं उतना क्लोज भी नहीं करना चाहता हूँ और मैं डिस्ट्रैक्ट होना नहीं चाहता हूँ, तो दूर रहना मुझे बेहतर लगता है। स्काई इज द लिमिट फॉर दिस गाय, ये लड़का बहुत आगे जाएगा, बहुत अच्छा एक्टर है, डांसर बहुत अच्छा है और नेचुरल है जो भी करता है, मतलब कि हमें लगा कि यार इसकी रिहर्सल कम हुई है वहाँ जाकर प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, ये लड़का बड़ा स्पॉन्टेनियस था, इसने एक एक स्टेप वहाँ पे एक एक स्टेप अच्छा किया है, जो भी इसने किया कोई रिहर्सल नहीं है, कंटेंट इसका बहुत हटके है। और वो तो मैंने बोली दिया, कोई क्लैब इसको भेज के देख लेना वहीं पहुँच जाएगी, इसके पास में कोलेबरेशन लेके आओ बहुत सारी, लेकिन पेड होगी वो। गाना कैसा लगा? लाइक बहुत सूदिंग है, बहुत ही अच्छा गाना है, एंड इट इज ब्यूटिफुली सांग बाय सोनिया मैम, कंग्रेचुलेशंस टू द टीम ऑफ मेरी जान, एंड ट्रूली इट इज अमेजिंग। गाने में क्या डिफरेंट लगा, बाकी जो गाने बहुत सारे गाने आते हैं इसमें लोकेशन, मूड, एक्टर, क्या आपको डिफरेंट लगा? द डायरेक्टिंग एंड जो गाना जिस तरीके से बनाया गया है दैट इज वेरी ब्यूटिफुल। जिस तरीके से इसने बोला है ना, मुझे अपने गाने से प्यार हो गया, सो अमेजिंग।
just sounding like a wow. Wow, आपने बहुत सारे काम के अपने बारे में बताओ दोस्तों, क्या किया है आपने बचपन में? हाँ, so मैंने दिनेश सर के साथ काम किया है, which is absolutely amazing. And truly, इनके साथ काम करना is so, you know, calmly होता है ना सब कुछ चीज़ें. And हमने फैमिली ऑफ ठाकुरगंज में भी काम किया है. एंड मैंने बहुत सारी मूवीज भी की हैं, बट लाइक दिनेश सर इज द बेस्ट. इसकी मैंने मूवी देखी खिचड़ी, खिचड़ी पार्ट टू, एक बच्ची बैठी हुई थी, मैं कहा शिविर तू वही थी? कितनी मूवीज कर रही है, मतलब आई सी हर एवरीवेयर. मतलब कोई भी अच्छी चीज़ हो जाए, चाहे वो हो जाए सोशल मीडिया की रील्स हो जाए, चाहे वो मूवीज हो, एड्स हो, एंड शी इज जस्ट वॉकिंग. एंड अगेन स्काई इज द लिमिट फॉर दिस गर्ल एज वेल. अरे बहुत सारे वो, मतलब कहीं ना कहीं देखती जाती. मैंने इसको देखा ऐसे बचपन में, छोटी सी थी, मैं लॉकडाउन के बाद वापस आया, लॉकडाउन के बाद ये बड़ी हुई, इसका प्रभाव भी बड़ा हो गया. शी डूइंग अमेजिंग वर्क यार. एंड थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट सर. बस गाना मिल जाए इस प्यारे से बच्चे के लिए, कोई ये गाना फिल्म आ गया समझ लो. मैं बोल रहा हूँ ये प्रोड्यूसर पास में खड़े हैं सूर्य जी, ये हमेशा रेडी रहते हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू, लवली मीटिंग यू सर. तुम जा रही हो? मेरा टेस्ट है कल. चलो मिलते हैं, कुछ काम भी करते हैं. मुझे भी नहीं अब तक समझ आता है कि कौन से वाला कीजिए देखना है. देखते रहो बस, ठीक है. मैं ऑडिबल, मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने मन नीचे के साथ ना बहुत पहले फिल्म की थी, जब मैं बड़ा स्मार्ट हुआ करता था. और मैंने साथ फिल्म की थी सत श्री अकाल, पंजाबी फिल्म थी. बॉम्बे आया, बॉम्बे हमारे कई बार मुलाकात हुई. एंड अब मुझे मालूम चला कि ये अपना इंडियन रेस्टोरेंट ये जो प्योर वेज रेस्टोरेंट है, जहाँ पर नॉनवेज जैसी कुछ आइटम्स है, नॉनवेज नहीं है, वेज है. और उसका नाम है मिस्टर सिंह तंदूरी हट. ये एक्चुअली मेरी पर्सनल बीवी है, जिसने अमिताभ बच्चन को भी हिलाया था. अगर आपको याद होगा, शी इज़ द फर्स्ट लेडी इन द वर्ल्ड, 2013 में जो 5 करोड़ जीती थी, ये वही है. तो इसकी एक आदत है, इसने हर चीज़ मेहनत से करती है. तो रेस्टोरेंट जो खोला, एक तो हर चीज़ फ्रेश होती, प्लस इसके पास फिश भी है, वो भी वेज है. सो अभी मालिक की कृपा है कि पुणे तक से लोग फ़ोन करके आते हैं, खाने को आते हैं. तो बाकी मेरी तो एक्टिंग की दुकान चल ही रही है साथ साथ. तो इन्होंने बयान किया, वही बताना चाह रहा था कि इनको मैं तब से जान रहा हूँ, अब मालूम चला इन्होंने वो चीज़ की है, क्योंकि मैं भी अंडा प्याज तक नहीं खाता. मैं आवियार वेजिटेरियंस, ये तो लहसुन अदरक भी और हमारे पास जैन फूड भी है. अरे जैन फूड भी है, यहाँ पे कार्ड हमारे पास वीगन भी है, जैन भी है. मिस्टर सिंह तंदूरी हट लिंक रोड में, सोनल इंडस्ट्रियल इस्टेट, बैंक ऑपोजिट बीका जी. तो आइए सब. मेन कहते हैं ना कि मुझे इसलिए गर्व होता है, जब ये आई थी इसको बात करने को भी डर लगता था. तो मेरा शौक था, मैंने 2 बेटियां अरदास करके मांगी, बीवी भी अरदास करके मांगी थी, मिल गई. लेकिन अब ये तीनों रेस्टोरेंट चलाती हैं और एवरीथिंग इज़ ऑथेंटिक. और जो मेहनत की, इसलिए मुझे गर्व होता है कि जो बात भी नहीं कर सकती थी. उस दिन बच्चन साहब मिले, जब मैं रनवे 34 शूट कर रहा था, कहते हैं बहुत ज़बरदस्त है आपकी भी. मैं क्या, मैं तो, मुझे तो पता है, मैं तो साथ में रहता हूँ. अभी तो 5 लोग जीते हैं. हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आप लोगों को भी गुड लक. हाँ, अच्छा, सबसे बढ़िया मुझे जो चीज़ लगी है, एक अच्छे कवर में भी अच्छा सॉन्ग आ सकता है, जो आपने दिखाया है एक डिसेंसी. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. हमारे साथ बहुत थैंक यू या मेरी जान, मेरी जान की तरफ से, मेरी जान को. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. मैं लगा हो गया, लाइट बंद कर दी. अरे अरे देखो पिन टिंकू भाई, मैंने सारे रिकॉर्ड किए. मतलब
जा रही है और कुछ दिनों में मेरे को ये लगता है ये जब फीचर फिल्म बनाएंगे टाइटल आया करेगा डायरेक्टर होगा दिनेश सोही
दिनेश कोई फिल्म मतलब ऐसा करके है, देखो मजा आया जो बोलते हैं वो सच होता है, ये सच होना है सर। देखो दिनेश जी ये ना भाई पत्री लेके आ जाना मेरे पास, बाकी मीडिया आपका हमेशा हम धन्यवाद करते हैं। मारो भाई ना चंद्री यार, देखो क्या बरसात आ गई क्या, ठीक है ठीक है। मैं वांटेड टू कवर दिस पार्ट ऑफ द लेटर फॉर दिनेश सर, मेरी गेस्ट की रोइन नहीं है लगती है और आने वाला भी है जिसका नाम है परछाई सॉन्ग, और बहुत सारे प्रोजेक्ट है अजीत सॉन्ग एक्ट्रीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसके साथ मैं कर रही हूँ सर के साथ। और रही बात सॉन्ग की बात, जैसे पुणे की चटनी होती है करारी, ऐसी आवाज सुनी है जी, मतलब मजा आता है खाने में, बहुत प्योर पंजाबी मतलब है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अच्छा हमारे जो इतना हिट शो चल रहा है तो उससे नैना मिलाई के दंगल पे, वो दंगल मुझे बता था कि जी आर्टिस्ट सेकंड नंबर पे है, आफ्टर स्टार दस, बाकी सब पीछे हैं डॉलर से। कोई नहीं पूछा मैंने, कोई नहीं कोई सुनो तो उससे नैना मिलाई शो की वो कभी तक की आवाज़ काला रखते लेकर आते उधर उधर देने उधर दे अरे नहीं नहीं उधर दे लाइट दे उस करके ऊपर लगा दे। मैंने दिनेश सर के साथ बहुत सारे गाने किए एंड आई प्योरली वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट दैम एंड टेल दैम मेरी जाना सब वेरी नाइस सॉन्ग, जैसे वैलेंटाइन डे आने वाला है, परफेक्ट लव लवी लवी काइंड ऑफ सॉन्ग एंड सोनिया मैम के साथ एंड द डिरेक्शन ऑफकोर्स इज बाय स्टेलर द अमेजिंग दिनेश सोई सर एंड द शॉर्ट टेकिंग अनी नॉट रियली पुट्स इन ऑल द एफर्ट, बड़े दिल से बहुत मेहनत से बहुत डेडिकेशन के साथ मुझे सारे गाने करते हैं एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू नो हिम टू हैव वर्क विद हिम एंड इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, आई वुड रियली वांट एवरीबॉडी टू लिसन टू इट एंड एंजॉय। पहले पंजाबी अब हिंदी कैसा हो मैम, मेरा बीच में आइए ना, मैं चाहूँगा सूर्य जी हमारे प्रोड्यूसर हैं यहाँ पे, सूर्य सर भाई सूर्य भाई आ जाओ उधर से, लाइट जरा लगाओ ना उधर जी सर, पांडे का लाइट लगाओ ना उधर, प्लीज कल आ रहे पांडे को बोलो ना तो माशा ही ईश्वर को बधाई देनी है, हमारा मन था कि कोई ऐसा पेड़ बनाया जाए कि जो एक रुमानियत पैदा करे कमल के बीच में, तो इसी को लेकर के हमने आज इसको गोलियाँ पहन लिया उसको, वेरी गुड वेरी गुड जी। यस प्लीज प्लीज स्माइल बॉक है आपकी अच्छी होता है ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, और इसकी जो आवाज़ है ना वो इतनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है कि अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में डिस्प्यूट भी चल रहा होगा तो ये गाना सुन के पैचअप हो जाएगा। वो तो हुआ है तभी तो बोला मैं जी, आप हमेशा डिपेंड करते रहते हैं पहाड़ों में चलते हैं, प्यार वाला गाना है ना, और कुछ डांस लड़का लड़की उनकी कोई प्यार मोहब्बत की बातें हो, तो हमने लोकली गाना शूट किया पास में वो सही साइड में बोल दिया अपनी लोकेशन आगे जाएगी, बड़ा प्यारा बड़ा वहाँ पर बड़ा प्यारा एम्बियंस है ना, अच्छी जंगल है वहाँ पर बड़ा कुछ है, वाइब वो निकल जाइए वो वाइब बड़ी है वो भी मिलती है गाने में, फैमिली के साथ देख सकते हैं, बंधन भी है, बॉयफ्रेंड के साथ देख सकते हैं, बहन के साथ देख सकते हैं, मेरे कोई भी बंधन नहीं होते हैं, और मेरी कोशिश की मैं आगे कोई ऐसे मुझे ना करूँ जिसमें कुछ कुछ लोग एटीट्यूड तो सिंपल जो फैमिली के साथ देखने जा सकते, तो आप जो बेस्ट अब तक मैं आप सभी को अपनी तरफ से इस तरह की आप बनाते रहे करते रहे, एक लाइन गा देंगे क्या गाना आप किसी को याद हो तो सोनिया जी प्लीज सोनिया जी कैरी ऑन होगा।
चलो थैंक यू थैंक यू।